आज हमने बनाया है एक कप चावल का आटे से पूरे परिवार के लिए नाश्ता। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम गैस पे एक कढ़ाई रख लेंगे, उसमें डालेंगे एक कप पानी। अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च या लाल मिर्च का पाउडर, कुछ भी डाल सकते हो आप, और नहीं डालना तो स्किप भी कर सकते। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, एक चम्मच वेजिटेबल ऑयल जो भी आप खाते हो। तेल को इसी वक्त ही डालना है आपको। एक हरी मिर्च कटी हुई बारीक, एक मुट्ठी बारीक कटा हरा धनिया। अब पानी को अच्छे से उबाल लेते हैं। जितना हमारा पानी उबल रहा है उतना हम दो ब्रेड स्लाइस ग्राइंड कर लेते हैं। ये सब चीज डालने से नाश्ते में जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है। पानी अच्छे से उबल चुका है, गैस कर लेंगे कम। अब इसमें डाल देंगे ये एक कप चावल का आटा, जितना हमने पानी लिया था उतना ही हम आटा डाल देंगे। और इसमें डाल देंगे हाथ के हाथी ब्रेड ग्राइंड करी हुई, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को कम ही रखेंगे। ब्रेड और आटे को दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि पानी कम है तो आप इसमें पानी थोड़ा सा और डाल सकते हैं। ब्रेड और आटा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं गैस को कर दूंगी बंद और 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख दूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं मुझे रखे हुए। अब हम इस बैटर को एक बाउल में शिफ्ट कर बाउल में शिफ्ट कर लेते। अभी ये हल्का गर्म है, अब इसको हम मसल लेंगे। मसल के इसको हम चिकना कर लेते हैं। अगर ये आपके हाथ में चिपक रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं। इसको हम एक डो की तरह बना के रेडी कर देंगे। तो ये तैयार हो गया। अब मैं थोड़ा सा बैटर हाथ में लूंगी और इसका अपना मन चाहे तरह का डिजाइन बना लेंगे। तो मैं इस तरीके से गोल बना के थोड़ा चपटा करूंगी और बीच में से मेंदू बड़े की तरह बन के तैयार हो गया है। मैं 2-3 तरह के डिजाइन बना के रेडी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने डिफरेंट शेप्स में नाश्ता बना के रेडी कर लिया है। अब मैं इनको फ्राई करूंगी। मैंने गैस पे पैन रख दिया, अब इसमें डाल देंगे ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं इनको फ्राई कर लूंगी। मैंने कटर से काट के इनकी शेप बना लिए और ये कुछ हाथ से बना लिए। अब इनको करारा होने तक फ्राई करूंगी। हमारा नाश्ता अच्छे से फ्राई हो गया है, अब मैं इस नाश्ते को निकाल लूंगी। इसी तरह मैं सारा नाश्ता बना के रेडी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारा एक कप चावल के आटे से बना बहुत ही टेस्टी कुरकुरा नाश्ता पूरे परिवार के लिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।